बर्शीला गांव के हिमांशु और यशवंत बचपन से ही मानसिक रूप से दिव्यांग हैं और सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए उन्हें आधार कार्ड की आवश्यकता पड़ रही थी, लेकिन उनके परिजनों की ओर से उन्हें पाबो, पौड़ी और सतपुली के आधार सेंटरों में ले जाया गया, लेकिन उनका आधार कार्ड नहीं बन पाया। परिजनों ने जिला प्रशासन पौड़ी से गुहार लगाते हुए मांग की थी कि दोनों भाइयों के आधार कार्ड बनवाए जाएं ताकि उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। वहीं हमारे द्वारा दिखाई गई इस खबर को प्रमुखता से दिखाने के बाद जिलाधिकारी पौड़ी ने मामले को संज्ञान में लेते हुए पाबू में आधार कार्ड बनाने के लिए कैंप का आयोजन करवाया, जिसमें आसपास के गांव के करीब 300 से 400 लोगों के आधार कार्ड बनवाए जा रहे हैं। दोनों दिव्यांगों के आधार कार्ड बनने के बाद उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ मिल पाएगा। पाबू में ब्लॉक में एक बरसीला गाँव, उसमें दो दिव्यांग बच्चे हैं जो अपनी मदर के साथ रहते हैं, जिनको अभी तक किसी योजना का लाभ नहीं मिला है। तो हमें ये सूचना मिली थी कि उनके घरों में दिक्कत आ रही है, तो आज एक आधार काम कैंप लगाया है आधार कार्ड वगैरह बनाने के लिए, क्योंकि किसी भी योजना का अगर किसी को लाभ दिलाना है तो उसके लिए आवश्यक है कि उसके पास आधार कार्ड हो। तो आज पावो में हम लोगों ने एक कैंप का आयोजन किया है, जिसमें बरसीला गाँव के वो बच्चे तो आए रहे, लेकिन आस पड़ोस के जितने भी गाँव हैं उसमें लगभग 300-400 लोग हैं जिनकी संख्या काफ़ी है, तो उन लोग के आज क्या है वो आधार कार्ड वगैरह बन रहे हैं। वहीं दिव्यांगों की माता देवेश्वरी देवी ने बताया कि वह जिलाधिकारी का धन्यवाद करती हैं कि उनके प्रयासों के बाद आज उनके दोनों बेटों का आधार कार्ड बन गया है, जिसके बाद उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ मिल पाएगा। उन्होंने बताया कि उनकी पारिवारिक स्थिति सही न होने के चलते उन्हें समय समय पर दिक्कत होती है, लेकिन दोनों ही बच्चों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिलने पर उन्हें थोड़ी सहूलियत जरूर मिलेगी। धन्यवाद करना चाहती हूँ मैं जिन सर ने हमारी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की, उनका मैं बहुत मतलब उनकी मैं बहुत आभारी हूँ। मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ उन सर का कि उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट मानी, और आगे भी मतलब इतने में ही खत्म नहीं हो गया, आगे भी हमें उनका सहयोग चाहिए। पौड़ी से न्यूज स्टूडियो के लिए मुकेश बछेती की रिपोर्ट।